कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे कि रांची में रीलॉन्च आज जो हो रहा है और अच्छा दिन है, छठ पूजा आज कंप्लीट हुई है, तो आज के दिन रीलॉन्च करने के लिए पीछे क्या रीज़न है धर्म भैया, आप बताइए। सर उसके पहले जो बड़ा सवाल है माहौल हल्का करने के लिए कि अगर कोई एक्टर नखरा करता है शूटिंग में टाइम नहीं आते तो आप मेकअप डाल के खुद एक्ट कर सकते हैं कि आज वैसे मेकअप डाल के आ गए। सर उसका जवाब आपको आप ही दूंगा। सबसे पहले जय माता दी आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू हिमांशु भैया कि हम फिर से यहाँ पे मौजूद हैं। और ये हमारा ऐप, हमने नाम इसका अनाउंस किया था 3 अगस्त 2019 को, फिर 20 फरवरी 2020 को हमने इसको लॉन्च किया था। एंड चूँकि इतने ज़्यादा हम लेट हुए, लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई थी, हम लेट हुए थे क्योंकि पूरे देश में ऐसा माहौल था कि दूसरों के दुखों में हमने कहा कि अपना फ़ायदा हमको नहीं ढूंढना था, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐप्स में बहुत सारे डाउनलोड्स भी बढ़े थे कोविड टाइम में, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करना था। अभी रिसेंटली दिवाली भी थी एंड आज छठ पूजा का दूसरा अर्घ का दिन था, इतना पावन दिन था, खुशियाँ फिर से लौट के आई हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से, तो हमने कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हम आज इसको फिर से रीलॉन्च किया। अब आता हूँ शोज के ऊपर, तो हमारे पास इस समय बहुत अच्छे कॉन्टेंट्स हैं हमारे ऐप के ऊपर, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंट है हमारा उन्नाव इन मीडिया का, जिसमें आप सब शायद जानते भी होंगे कि 3 साल पहले एक लड़की के साथ 4 लड़कों ने रेप किया था और उसको जिंदा जला दिया था। वो कॉन्टेंट हमने शूट किया, शूट करते समय हमें भी बहुत तकलीफ हुई, तकलीफ इन द सेंस की मानसिक तकलीफ हुई थी कि कैसे कोई किसी को भला इतने बेदर्दी से कैसे रेप करके फिर जिंदा जला सकता है। वो कॉन्टेंट है हमारा जिसको हम 21 नवंबर 2021 को अपने ऐप पे हम लेके आ रहे हैं। आज उन्नाव एक मीडिया का दर्द, जिसका ट्रेलर अभी मैं आप सबको दिखाऊंगा यहाँ पर। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे शोज हैं, अंधभक्त, अंधभक्त बेसिकली मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हम बेसिकली बाबाओं के ऊपर हम ऐसे उसमें पड़ जाते हैं ना सही और गलत जानते हुए भी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबको ही गलत है, मैं किसी धर्म के बारे में किसी प्रति स्पेशली किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। हमारी वो हमेशा एक सोच रही हुई है कि हम जो भी कॉन्टेंट आपको दे सके बहुत अच्छा मनोरंजन दे सके, क्योंकि कॉन्टेंट ही आपका सब कुछ है। कॉन्टेंट आपको रुलाता भी है, कॉन्टेंट आपको खुशी भी देता है, कॉन्टेंट आपको समझने की कोशिश शक्ति देता है, कॉन्टेंट आज के दिन में सबसे बड़ा किंग। और मैं जैसे हमारे पास और भी डांस रियलिटी सॉन्ग रियलिटी शोज भी हैं, सॉन्ग स्टूडियो हमारा जैसे एक शो है जिसमें गाने का हमने नए नए लड़कों को या बच्चियों को हमने चांस दिया हुआ है, वैसे हमारे पास शोज है। हॉलैंड की हमारे पास मूवीज हैं, तो ये सारे जो कॉन्टेंट्स हैं आप मिक्स एंड मैच हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो रांची की सबसे खूबसूरत चीज़ है कि हमारे ऐप में कहीं पर भी सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, आप अपने परिवार के साथ इसको बैठ के देख सकते हैं, आप मनोरंजन कर सकते हैं। अभी किसी ऐप में गाने का सिस्टम नहीं आया हुआ, हमने उसमें गाने का भी सेगमेंट डाला हुआ है। मैं आप सबसे इंटरव्यू हो जाए उसके बाद मैं आप सबसे बोलूँगा भी कि आप सब प्लीज़ उसको डाउनलोड करके एंड उसको देखिए कि वो कैसे जाता है, कैसा आप सबका आप सबको कैसे वो लगता है। जी एक बार बोल मोबाइल पे जरा। हाँ मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, बेसिकली हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी को चालू किया था। प्रसाद, मैं पहले प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करता था और प्रसाद हेड ऑफ द मेकअप उस समय संभालते थे, हमारी दोस्ती उतनी पुरानी है। तो एक दिन हम बैठे ही बैठे हमने कहा कि यार हम कुछ करते हैं, हम कुछ अपना करना चाहिए। प्रसाद साथ में आए हमारे और आज दोस्ती को हमने पार्टनरशिप में चेंज किया हुआ है, आगे भगवान जाने कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज होगा। प्रसाद प्लीज़ मुझे बता रहे बहुत खुश हो रही कि हम बहुत जल्दी मराठी राक्षी लेके आ रहे हैं, तो उसमें इंटरटेनमेंट ऐप होगा, तो आप सब भी परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं उसको और डाउनलोड आवर ऐप राक्षी को। अब प्रसाद के इस बात को जस्टिफाई मैं करता हूँ क्योंकि राक्षी मराठी, तो ऐसे ही हमने कोशिश की हुई है कि जितने रीजनल लैंग्वेज हैं उन रीजनल लैंग्वेज में हम अपने राक्षी को लेके आएंगे, ताकि और क्योंकि सब हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि उन टायर टू ग्राहकों को पकड़ने के लिए, जो आज जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, मैं फिर से नाम नहीं लूंगा, आज जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं
उन सब ने अपने फीस इतना रखा हुआ है कि उन जो एक्चुअली जो कंटेंट है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, वो उनके पास नहीं पहुँच पाता है। और हमारा एक उद्देश्य था कि हम कंटेंट भी बनाएं और जो अपने उन टायर टू, एक्चुअली देखा जाए तो आज के डेट में सबसे बड़ी ऑडियंस है वो टीयर टू की ही है। आज एक आम आदमी को आप बोलिए कि 500 रुपया 200 रुपया महीने का दे, वो नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमने अपने ऐप को फ्री रखा हुआ है, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, ये टोटली फ्री है। और सब दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं फिर से पहले भी मैंने बोला हुआ है, हमारे ऐप में हम आपसे कोई भी डाटा नहीं लेते, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको दिखाता हूँ। आप प्ले स्टोर या कहीं पे भी आप जाएंगे, हाँ मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, आप में से किसी एक का मोबाइल दीजिए, मैं फ्रेश करके हमारे में डाउनलोड है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। कौन सा दे दो, डालेंगे रापची ओरिजिनल, तो उसमें आपको ये आइकॉन हमारा दिखता है, ये वाला आइकॉन है हमारा। और इसके बाद वो आता है, उसको डाउनलोड करिए, बहुत कम एमबी का है, आपका ज्यादा डाटा भी नहीं लगेगा। इसमें आपको क्रिएट अकाउंट में जाना है, क्रिएट अकाउंट में जाके आपको अपना नंबर डालना है और एक अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल के आप जैसे उसको ओके करेंगे, आपको एक ओटीपी जनरेट होता है, ओटीपी जनरेट होने के बाद आप उसमें डाल दीजिए और आप इस हमारे होम पेज पे आ जाते हैं। इसमें कोई भी हम आपसे परमिशन नहीं मांगते हैं, जिसमें आपका फोन डाटा हो, आपका फोटो एक्सेस हो, हम कोई भी डाटा आपसे नहीं ले रहे। ये पहला ऐसा ऐप है हमारा, आप छोटा सा आप स्विगी का भी अगर ऐप डाउनलोड करते हैं या किसी का भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं, माफी चाहता हूँ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें आपके सारे एक्सेस पहले वो आपसे मांगते हैं, चाहे वो फोन का एक्सेस हो, चाहे फोटो का एक्सेस हो। लेकिन हमने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के राह पे चलते हुए हमने प्योर ही इसको देसी ऐप बनाया है, जिसमें कोई भी आपका डाटा हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर आप पैसे जनरेट कैसे करेंगे कंपनी? सर देखिए, पैसा कमाना बहुत ही आसान है। हमारा पहले ये था कि पहले हम अपने देशवासियों, हम उस टायर टू के ऑडियंस के पास हम पहुंच जाए, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़े ऑडियंस, सबसे बड़े व्यूअर्स वही हैं आपके, चाहे वो उन्होंने अमित जी को बनाया हो। आप देख लीजिए जितनी भी पिक्चरें आती थी पहले, उसी लोग जाके टिकट लेके देखते थे, वहीं से हिट होता था, वहीं से फ्लॉप होता था। तो हमारा उद्देश्य ये था कि पैसा जिस समय हमारे डाउनलोड्स बढ़ने जाएंगे, जब एड्स आएंगे तब हम उससे कमाएंगे। लेकिन अभी हमने कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं रखा है, हमने सब्सक्रिप्शन का मॉड्यूल नहीं रखा हुआ, ये चीज है। एंड आप इसमें देखेंगे अलग अलग सेगमेंट है। अब ये देखिए इसमें ट्रेलर्स है, आप जो भी शो के इसमें आपको ट्रेलर्स देखना है, ट्रेलर्स दे सकते हैं। फिर ट्रेंडिंग नाउ है जो हमारे ऐप पे चल रहा है, फिर वेब सीरीज है जितनी भी हमारी वेब सीरीज है, शॉर्ट फिल्म्स है जो भी हमने शॉर्ट फिल्म्स हमारे दोस्तों ने बनाई है या जो अपने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं ले जा सकते उनसे हमने लिए, कुछ हमने बनाई है, कुछ हमारे दोस्तों की है इसमें। फिर ये हॉलीवुड मूवीज का सेगमेंट है, ये सॉन्ग्स के सेगमेंट्स हैं, उसके बाद ये वेब फिल्म्स भी हमने रखा हुआ अपने सेगमेंट में, उसके बाद ये रीजनल शोज भी हैं हमारे पास और नॉन फिक्शन शोज भी हैं। और बहुत सिंपल सा हमने अपना इसका मॉड्यूल भी रखा हुआ है राष्ट्रीय का, कि बहुत इजी टू एक्सेस है, बहुत इजी टू यूज है। हमने अपने हमारे जो भी टारगेट ऑडियंस है, टीयर टू के भाई बहन हो या चाहे बड़े बुजुर्ग हो, हर तरीके के हमने उनके सहूलियत को रखा हुआ है कि आप एक हाथ से बहुत इजीली अपने मोबाइल को चला सकते हैं और ये एंड्रॉयड और आईएस दोनों पे भी उपलब्ध है। अब आशीष जी का आप सबसे इंट्रोडक्शन करूंगा। आशीष जी हमारे नए पार्टनर है, आशीष हडलकर जी, बेसिकली इनकी तारीफ ये है कि ये कोकन बेल्ट के माने जाने बिल्डर्स में से एक है और ये हमारे वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और इनका दूसरा इंट्रोडक्शन ये है कि प्रसाद के कजन ब्रदर। आशीष जी, आपको बताइए क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है क्या? ये बहुत ही बड़े वाली और एंटरटेनमेंट करने वाला ऐप है, तो आप सभी डाउनलोड करिए और जरूर देखिए आपके ओरिजिनल। सर आपका जो बिजनेस है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन का बिल्डर है, तो बिल्डिंग से ये बॉलीवुड ग्लैमर लाइन में एसोसिएशन किस तरह, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी तरह मैन ऑफ
few words. Man of few words. Actually, man of few words. अरे आपसे जी म्यूजिक आप दिखाने वाले फिल्म म्यूजिक जी तो जो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म फ्री देंगे या बेचारे जो प्रोड्यूसर्स है म्यूजिक के उनको पैसा भी देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। अब जैसे गाने हमने जो सॉन्ग का वो रखा हुआ आप सब अगर हमने अभी उसका एक सिस्टम भी रखा हुआ कि हमारे व्यूअर्स इसको फ्री देखे भी और बैठ के पैसा भी कमाए वो कैसे वो भी आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारा कॉलर ट्यून है रापची हमने अपना एक गाना भी बनवाया है रापची का। अब जैसे आप हमें फोन करेंगे तो वो कॉलर ट्यून में भी हमने रजिस्टर करे वैसे हमने रापची म्यूजिक करके भी कंपनी हमने रजिस्टर करी जिसके ये सारे गाने आएंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपने गाने एल्बम्स बनाते हैं वो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद उनको एक सर्टेन अमाउंट मिलती है एंड उसके बाद उनको वो चीज़ लेकिन उनको कभी भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पर वो ग्रो कर सके। हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम उनको कमाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी दे रहे कि जहाँ आप अच्छी चीजें देख सके जहाँ पे आप अपने आप को उभार सके अपनी कलाओं को आप आ सके। आज छोटी सी बात होता हूँ आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म जैसे मेरा बैकग्राउंड प्रोडक्शन मैनेजर था उसके बाद मैं प्रोड्यूसर बना क्राइमलेट हमने प्रोड्यूस किया तो हम जब भी किसी बड़े चैनल में अपने आप को पिच करने के लिए जाते थे हमें बड़ी तकलीफ होती थी कि उनको उनका सिंपल सा एक क्वेश्चन होता था आपने किया क्या है वो नए हुनर को नहीं देखते उनका एक क्वेश्चन है कि आपके पास कितना बड़ा लेवल है। हमने उस चीज को रांची पे उस चीज को खत्म किया कि आप कंटेंट लेके आइए आप मेकर बनिए आप पैसा कमाइए थोड़ा कम कमाइए लंबे समय तक कमाइए नाम बन जाएगा पैसा अपने आप आ जाएगा। ये मेरे पिताजी हमेशा सिखाते थे कि आप जिंदगी में पैसे के पीछे मत भागिए इंसान कमाइए इंसान कमाइए सब कुछ आपके पास आ जाएगा। यही चीज है एक हमारी ये सोच है जिसको लेके हम चलना चाहते हैं एंड माता जी से हमारी प्रार्थना है कि आज इसी 11 नवंबर 2021 को आप सब हमारे साथ बैठे हुए हैं और अगले 2-3 साल में ये देश का पहला अपने आप में बड़ा ऐप बन जाए आप सबकी दुआएं चाहिए एंड हम फिर से एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शुरू में सिर्फ मोबाइल ऐप होगा कैन वी सी दैट इन टीवी आल्सो? यस सर यू कैन सी दैट इन टीवी आल्सो। हमने अभी उस सेगमेंट को चालू नहीं किया है क्योंकि हमारी मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि सर हमारा बेसिक जो टीजी है टारगेट ऑडियंस है वो हमारे वो भाई बहन हैं जो केवल एफोर्ड नहीं कर सकते जो 300 रुपए में अपने मनोरंजन को एफोर्ड नहीं कर सकते। आज आप अपने ही सोसाइटी आप लोग के सोसाइटी में भी एक वॉचमैन होता होगा वो रात को आप जब भी जाते हैं तो वो रात को जागने के लिए यूट्यूब खोल के बैठ जाता है राइट। अब वो उसको यूट्यूब में एक ही चीज बार बार देखनी है चाहे जैसे भी देखनी है प्लस बहुत सारे उसमें एड्स आते हैं ये जाते हैं वो जाते हैं उसमें उसका डाटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। हमारे ऐप में डाटा कंज्यूमशन बहुत कम है एंड वो बैठ के वो देखेगा। अब उसके घर में वो टीवी वाला सिस्टम नहीं था ना कुछ लोगों के पास होगा कुछ लोगों के पास नहीं होगा तो इसलिए हमने पहले यहाँ तक हम फैल गए उसके बाद हम अपने टीवी वाले सेगमेंट को हम लेके आएंगे। हमारा वो बन चुका है हर चीज ट्रायल हो चुका है अभी आपको अगर अपने घर में टीवी में देखना तो आप कास्ट करके अपने टीवी में इसको देख सकते हैं या कंप्यूटर में या कंप्यूटर आप कहीं पे भी इसको इजीली देख सकते हैं। जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोबाइल से बिल्कुल ग्रैंडर लगता है कि आज के डेट में सबको बड़े स्क्रीन में हर चीज चाहिए एंड हमारी कुछ स्कीम्स भी हैं जिसपे हम आगे लेके भी आ रहे हैं। जैसे हमारा एक प्लान है कि हमको 1 लाख हमने अभी 1 लाख मोबाइल हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसमें रांची इनबिल्ड होगा एंड उस तरीके से हम उस चीज़ को भी धीरे धीरे प्रोत्साहन कर रहे हैं कि कैसे एक आम आदमी उस चीज़ को कर सके कैसे उस चीज़ को अपने आप को एंटरटेन कर सके अपने परिवार के साथ एंटरटेन कर सके। सर आपका सर्वर जो है जी सॉफ्टवेयर जो है जी भी सिग्नल अगर कम आते हैं तो बफरिंग में जाता है बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर आपको बोलूंगा कि बाकियों का जो डाटा जो बफरिंग करता है जो सफर करता है उसके पीछे टेक्निकल रीजन है जो हमको रिसर्च करने में कम से कम हमको वो चीज पकड़ने में हमें 8 महीने गए। हमने उस चीज पे किया हमने जब 2020 में जब अपना ऐप लॉन्च किया था तो हमारे भी साथ ही ये प्रॉब्लम होती थी फिर हमने कहा यार कोरोना में बैठे खाली बैठे कुछ ना कुछ तो करना कंटेंट पे तो काम चल ही रहा था हमने कहा इसको भी हम करते कैसे उस चीज को हमने उस चीज को क्रैक किया हमने उस चीज को सॉल्व कर लिया
एक बार अगर स्पीड से नहीं खुलती उसको छोड़ देता हूँ, कर देते हैं। यस सर, आज की डेट में यूएसबी को मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, जो पहले हम लोग बोलते थे ना, अंगूठा दिखाते थे ना, इसका मतलब होता कि ठेंगा, मतलब हम भोजपुरी में मैं बोल रहा हूँ ठेंगा दिखाना होता था। एक्चुअली आज के डेट में हम जैसे लोगों की किस्मत अंगूठे पे हो गई है। अगर किसी को कोई चीज नहीं पसंद है ना, वो सीधे यहाँ से एग्जिट का बटन दबा देता है। तो हमने उस चीज का बहुत ध्यान दिया होगा कि आप अगर एग्जिट का बटन भी दबा रहे हैं तो वो ना दबाएं, आप एक्चुअली आके वहां पे देखें। एंड उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गांवों और खेड़ों में या छोटे शहरों में वाईफाई की सुविधा अभी तक नहीं हुई, मोबाइल भी पुराने। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 100 MB का अपना ऐप बना दूं तो उसको डाउनलोड करने के लिए पहले कुछ डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारा ऐप डाउनलोड करेगा। तो हमने क्या सिस्टम रखा, हमने हमारे MB को आप देखेंगे, हमारा MB 34 MB का हमारा टोटल ऐप। दूसरी चीज सर, इसमें सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती ये है, हमने डाउनलोड का बटन नहीं रखा हुआ। आपको जब देखना आप ऑनलाइन आइए, आपका डाटा बहुत कम यूज होगा। रीजन सर ये है कि डाउनलोड में क्या होता है कि नॉर्मली पब्लिक ये कहती है हम ऑफलाइन देख लेंगे, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी ये गलती करते हैं जब हम डाउनलोड का बटन दबाते हैं तो डाउनलोड में हमारा जो डाटा है वो ज्यादा कंज्यूम होता है। तो आदमी ये कहता है यार मैं डाउनलोड करके तो बाद में देख लूंगा, अभी बफर करता है, मैं डाउनलोड से ऑफलाइन में आराम से देखूंगा। लेकिन जितना आपका डाउनलोड करने में डाटा जाता है उतना आप ऑनलाइन में जाएंगे, उससे कम डाटा में आप ऑनलाइन में देख सकते हैं। ये एक सिर्फ देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि क्या है कि हम उस जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक छोटी सी चीज है कि यार आप चल रहे भैया इस रास्ते पे, हम आपके पीछे आ गए, लेकिन हम उसके बारे में जानकारी नहीं लेना चाहेंगे वो सही है कि गलत है, क्या भैया वाकई सही है या भैया वाकई गलत है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, कई लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने में वो कहते हैं यार भगवान तो मेरे ये है, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ मेरे को कुछ फल ही नहीं मिलता है, और उसको देखो वो पूजा पाठ नहीं करता, वो इतना फलित हो रहा है। लेकिन हम ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं क्या हम वाकई सही कर रहे हैं कि गलत वे में कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। तो वही चीज है सर, हमको किसी भी चीज को अगर हमें कपड़ा पहनना है, हमें मालूम है कि हम 100 रुपए का कपड़ा पहन सकते हैं, तो हम 100 रुपए में अच्छी से अच्छी चीज क्या ला सके। अगर वही कपड़ा हमें 10 रुपए में मिल रहा है तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि उस 10 रुपए में जाके उस कपड़े को पहनिए जो आपको 100 रुपए का मजा दे। OTT जो है जी, लॉकडाउन की पैदावार कह सकते हैं, लॉकडाउन में जो है पहले हुआ है पर जो ज्यादा है लॉकडाउन में ज्यादा लोगों ने यूज किया है। सर उसका जवाब मैं आपको ये देना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी बोला कि लोगों ने जिस समय देश में पूरा मातम छाया हुआ था उस समय लोगों ने उसको व्यापार बना के उसको यूज किया, जो कि गलत है, एथिकली गलत था। अगर आप ये सोचें कि मेरे जाने पहचाने वाले में कई लोगों को कोविड हुआ, मैं उनको ये बोलूं यार मेरा ऐप तूने देखा क्या, तो सोचिए उस पर क्या भी दे दी। तो वो हमने इसीलिए हम ठीक है, हमें नुकसान हुआ जरूर, हम नुकसान बर्दाश्त कर लिए, लेकिन हमने कभी भी देशवासियों के साथ वो चीज करने की कोशिश नहीं की कि उनको जो मन को ठेस लगे, क्योंकि कोविड की महामारी से हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे देश में पड़ी थी। एंड बहुत सारे वेरियर्स ऐसे थे जो शहीद भी हुए, एंड बहुत सारे वेरियर्स ने दिन रात काम किया, इसमें डॉक्टर्स नर्सेस पुलिस वाले पत्रकार भाई लोग सब कोई उसमें जुड़े हुए। तो हमने कभी भी उसको इस सेंस में कहना कि OTT उसमें बहुत ज्यादा पैदावार हुआ गलत था सर, जितने लोग थे उसमें उन्होंने हाइप किया, नो डाउट उनके व्यूअर्स बढ़े, कि लोगों के पास कोई चांस नहीं था, ये चीज। आपने कैसे राप्ची टाइटल चुना? सर राप्ची का मतलब ये एक चाइनीज वर्ड है, द ग्रेट महान। एंड क्या है सर कि हम लोगों को ना थोड़ा विदेशी चीज बहुत पसंद है, तो हम लोग उसके तरफ थोड़े टैगलाइन देसी सर, टैगलाइन देसी है ना, इसीलिए तो बोला टैगलाइन, वही उसके पीछे आ रहा हूं। तो क्या है नाम भी में आपको विदेशीपन मिल रहा है, लेकिन सर टैगलाइन हमने रखा हुआ है देसी है, ये प्योर और प्योर इंडिया मेड है। आदरणीय मोदी जी के हम अच्छे कदम पे चल रहे हैं जिसपे हमने इसको देसी है का नाम दिया, प्योर देसी वर्जन। मैं सर हमारा एक दूसरा ऐप है जो जिसका नाम है रांची ओरिजिनल्स, वो भी हम बहुत जल्दी लेके आने वाले, उसपे हमारे वो हमने रखा हुआ प्योर भोजपुरी कंटेंट। सर यूट्यूब में आपके कंटेंट की आपने बोला कि लोग उनसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब में इसमें कितना रेवेन्यू पे अगर बात करें आपसे जुड़ते हैं तो उससे क्या बेनिफिट? सर लोगों को 50% ज्यादा बेनिफिट होगा,
अब छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपकी स्माइल बता रही है कि बहुत कुछ सोच समझ के पूछा, तो मैं आपको उसको नॉर्मली आपको बताना चाहूंगा। सर यूट्यूब पे नॉर्मल है कि इतने व्यूज होने चाहिए, उसके बाद इतने घंटे का टाइम भी होना चाहिए, 4000 राइट, 4000 ये होना चाहिए, उसके बाद आपको इतना हम मोनेटाइज करेंगे, उसके बाद हम आपको ये पैसा देंगे। सर आप यूट्यूब में जब भी कोई कॉन्टेंट अपलोड करते हो तो उसकी आईपी राइट्स आपके पास नहीं रहती है, ये क्या आप सब जानते हैं? नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं फट से यूट्यूब पे अपलोड कर दे। सर यूट्यूब वाला आपको एक चीज दिखा के सिर्फ यहाँ पे मोनेटाइजेशन का पैसा दे रहा है क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड का आपको पैसा दे रहा है? नहीं सर, ये अभी भी हो रहा है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है उस पर एड चलती है लेकिन आपको जीरो आता है, वही उसी पे आ रहा हूँ सर जी। तो सर सबसे बड़ी चीज होती है कि आईपी राइट्स, जो आपकी एक्चुअली एक प्रोड्यूसर की या एक मेकर की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करते हैं, राइट हिमांशु। अब उस पे अगर आप अपना पैसा आपको मिल गया, आपने एक सपोज आपने एक गाना बनाया 10 लाख रुपए, एक बात बोल रहा हूँ, आपने कोई सिंगर ने एक गाना बनाया, पंजाबी सिंगर्स आते हैं उन जो गाना बनते हैं या कोई भी सिंगर किसी भी लैंग्वेज में, सर उसके 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन व्यूज आते हैं, क्या कभी उनसे किसी ने पूछा सर आप इस पे कितना कमा रहे हैं और उस गाने की एक्चुअली राइट्स किसके पास है? हमने जैसे सर उनको अपलोड कर दिया वो राइट्स उनके पास हो जाते। हमारे ऐप में क्या है सर, आप हमारे पास कंटेंट लेके आते हैं, अगर आप हमारे साथ बाटर डील में हैं तो उस प्रोडक्ट के मालिकाना हक आपके पास है, हमारे पास नहीं है। प्लस हमसे जितना हमारा जो भी रेशियो है, जो भी हमारा कमर्शियल डील होता है उसमें आपको साफ साफ ऊन मिलता है। जुड़ना पड़ेगा आपसे, यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब से नहीं सर, यूट्यूब से, क्योंकि हमारा टाई अप यूट्यूब से है ही नहीं ना सर। लेकिन उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम 12 अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रीजनल लेके आएंगे, जैसे रांची गुजराती हो गया, जैसे प्रशांत ने भी बोला रांची मराठी हो गया, रांची बंगला हो गया, ऐसे हम उसको लेके आएंगे, इसकी रांची की अम्ब्रेला तले नहीं लेके आएंगे सर, रांची कि ही अंदर सारे उसमें रहेंगे, जितने रांची पे कंटेंट है वो उसके रीजनल लैंग्वेज में ही, वो वहां की मराठी रांची तमिल वही सेम कंटेंट्स, और जो नए कंटेंट्स आएंगे वो उसके अलावा रीजनल कंटेंट्स भी उसमें आएंगे। जैसे आप नोट करिए सर, जैसे साउथ की इंडस्ट्री है हमारी, साउथ में आपके पास कितना बड़ा भी अगर कोई चीज हो, कितना बड़ा भी अगर बॉलीवुड का हमारा स्टार हो, वो पिक्चरें वहां नहीं चलती, उनको वो रीजनल में ही दे लाइक एंड दे प्रेफर है, तो रीजनल का एक अलग अपना वो चीज है, उनको उसमें थोड़ा सा अपना देसीपन लगता है, उसमें थोड़ा सा उनका अपना पन लगता है। लैंग्वेज में लाने वाले अलग अलग ऐप, क्या आप फिल्म राइट भी करेंगे कि भोजपुरी फिल्म? सर हमने अभी कुछ 32 फिल्म्स कर दी हैं जो अभी हमने अपलोड नहीं की हुई, जिसमें भोजपुरी भी है, कुछ मराठी है और कुछ हिंदी है, कुछ ऐसी पिक्चरें हैं जो किसी कारणवश से रिलीज नहीं हो पाई थी या उनको वो असमर्थ थे उसको रिलीज करने में, हमने वो भी पिक्चरें कर दी। कुछ नाम बता सकते? नहीं सर, वो आ जाए ऐप पे, यू विल कम टू स्पॉन्सर। थैंक यू सर। फ्री है, इसको जरूर डाउनलोड करिए, एंड हमें भी बहुत तकलीफें हुई हैं अच्छी चीज लाने में, एंड कहा गया है कि अच्छी चीजों को बनाने में थोड़ी बहुत सारी समस्याएं आती हैं और वो आई हैं हमें, लेकिन हमने उसको हंसते खेलते ऊपर वाले आसपास से हमने उसको पार किया है। और फिर से मैं ये बोलना चाहूँगा, थैंक्स टू आवर रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिनके जिन्होंने कहते हैं ना कि देसी वाला जो फंडा दिया, उस आइडिया ने हमें भी बहुत क्लिक किया, एंड वो नतीजा है कि दिया कि सर मैं बॉम्बे बेस्ड हूँ, हूँ पैदाइश मेरी उत्तर प्रदेश बनारस की है, बाबा काशी विश्वनाथ जी के करीब। चलिए हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं दीक्षा जी, आप आइए ऑफिस में उनसे मिलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा सर। अंताक्षरी जिस समय आता था जी टीवी पे अन्नू जी और उनके साथ, देखिए आप लोग छोड़ के देखते थे। और एक चीज बताऊं, चित्रहार की बात कर रहा हूँ, चित्रहार जब डीडी पे आता था लोग अपने घर में उस चीज को छोड़ के देखते थे, उस समय एफएम वो चीज नहीं थी। एंड सर आज फिर से एक चीज साबित हुई है, महामारी के दौरान
रामायण ने पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है और अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा। इसका मतलब आज भी लोग कंटेंट देखना पसंद करते हैं, सेक्स वर्गेलिटी देखना पसंद नहीं करते।